Assalamualaikum and welcome to Kitchen Online. आज हम दोबारा एक एक्साइटिंग रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। जी हाँ, आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर बलोची टिक्के के साथ। तो चलें इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो बलोची टिक्के का मसाला रेडी होगा उसके लिए कौन से मसाले चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले 4 चम्मच साबुत जीरा जिसे भून के हमने ग्राइंड कर लिया था, 4 चम्मच साबुत धनिया जिसे हमने भून के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कढ़ाई पाउडर, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच हमने चाट मसाला ले लिया, 1 टीस्पून हमने खटाई पाउडर और 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के। ये सारे मसाले जो एक साथ यकजा होंगे और बलोची टिक्का बनेगा उससे, ये हमने आपको बताए हैं। दोबारा मैं इसकी क्वांटिटी आपको रिपीट कर दूंगी। ये 4 चम्मच साबुत धनिया जिसे हमने भून के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था वो हम ऐड कर देंगे। याद रहे ज्यादा फाइन नहीं, पाउडर नहीं बनाना, पीसना नहीं है, थोड़ा कुटा हुआ रहना चाहिए। 4 चम्मच साबुत जीरा जिसे हमने भून कर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें आप, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी के, 1 टेबलस्पून चाट मसाला एंड 1 टीस्पून खट्टाई पाउडर। ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे। आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख लें। आप इसको 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इतनी क्वांटिटी में बना है, और आप 3 से 4 बार जब भी बलोची टिक्का बनाना चाहें तो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। इसीलिए एक साथ बना कर रख लें ताकि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो ये रहा हमारा बलोची टिक्के का मसाला रेडी। अब चलते हैं बाकी डिश की प्रिपरेशन की तरफ। 1 kg हमने टिक्का कट चिकन ले ली, तैयार शुदा बलोची टिक्का मसाला जो हमने अभी बनाया, 8 से 9 अदद मोटी हरी मिर्च, 2 अदद बड़े लीमू, 1 कट्ठी आधी घटी धनिया, 1 बड़ा टेबलस्पून हमने लहसुन चॉप्ड और 1 टेबलस्पून हमने गार्लिक चॉप्ड ले लिया। मोटा मोटा चॉप कीजिएगा, ज़्यादा फाइन नहीं कीजिएगा। तो ये रहे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अब हमने 2 कप ऑयल ले लेना है, जेनरस अमाउंट में ऑयल लेना है क्योंकि हमें अपनी चिकन को डीप फ्राई करना है। इसमें हमने चिकन ऐड कर दी, और इसका पानी खुश्क होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमने बहुत अच्छा प्यारा गोल्डन लाइट ब्राउन कलर देना है। ये ड्राई होता है टिक्का, बलोची टिक्का, तो इसके अंदर जो है फ्राइंग के बाद जो आपको बूटी थोड़ी ड्राई लगेगी, लेकिन यही इसकी खासियत है, यही इसकी ऑथेंटिकेशन है कि ये बनता ही इसी तरीके से टिक्का। अब हम इस स्टेज के ऊपर जब ये अपना पानी खुश्क कर देगा तो लहसुन अदरक जो हमने कुटा हुआ था 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देना है। आप अगर अपनी चिकन की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो लहसुन अदरक की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। हमने इसमें 8 से 9 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और इसको जब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये मिर्चें अपना कलर टोटली चेंज नहीं कर देंगी और हमारा जिंजर गार्लिक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। तो ये रही वो स्टेज जिस स्टेज पर हम इसको छान लेंगे, और ये सब कुछ जब छान लेंगे हम तो वो ऑयल जो बच जाएगा वो हम किसी और डिश में भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा वो ऑयल वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए हमने ये छान लिया है, स्ट्रेन कर लिया है ऑयल, और जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चें इसी में है अभी भी मौजूद। इसके ऊपर हम अपना खुश्क मसाला छिड़क देंगे 2 बड़े चम्मच, या जिस हिसाब से भी मिर्च आप खाते हैं, जितना स्पाइसी खाते हैं आप उस हिसाब से अपना मसाला इसमें एडजस्ट कर लें, और इसको और फर्दर कुकिंग, और ज़्यादा कोई कुकिंग नहीं करनी है। यही हमारी डिश जो है वो फाइनल स्टेज के ऊपर है। ये इसकी स्टीम से इसका जो मॉइस्चर आएगा उसी में ये अब्सॉर्ब कर लेगा सारे मसालों को। और अब 2 लीमू हमने इसके ऊपर निचोड़ दिए हैं, आप थोड़ी खटास बढ़ाना चाहते हैं तो आप 3 लीमू भी निचोड़ सकते हैं। और फाइनल लुक के लिए हम इसके ऊपर धनिया से गार्निश कर देंगे।
तो ये रहा हमारा ऑथेंटिक बलोची टिक्का। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी फरमाइश पर हम ये रेसिपी लेके आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें दोबारा बताइएगा कि आप और कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।